मौलाना अरशद हमदी साहब का खैर मकदम करता हूं। मैं स्टेज पर आने के लिए मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे स्टेज के बाद से ये बता दें, उन्होंने जब भी मुझे इस मुल्क के किसी भी कोने में जब भी कहीं आने के लिए कहा, मैंने उनकी बात को लब्बैक किया और वहां पर पहुंच करके मैंने उनके साथ किया। उज्जैन के लिए भी जब उनसे तबसरा किया गया कि और किसको बुलाया जाए, तो मौलाना अरशद मदनी जी ने मेरा नाम लिया, स्वामी अग्निवेश को बुलाओ, और आज उसकी जरूरत में आपके बीच में आया। दोस्तों साथियों, इस मुल्क के नागरिकों, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जैसे हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसी तरीके से जैसे मैंने कहा सुप्रीम है अल्लाह ताला, ईश्वर परमात्मा वाहेगुरु, और इसलिए है कि हम यकीन करते हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो हम एक बार नहीं पांच पांच बार बोलते हैं रब्बुल आलमीन कहते हैं, रब्बुल मुसलमीन नहीं कहते। और जब हम अपने पैगंबर को याद करते हैं हजरत मोहम्मद साहब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब हम कोई फक्र के साथ उनको याद करते हुए कहते हैं रहमतुलिल आलमीन, रहमतुलिल आलमीन है, रहमतुलिल मुसलमीन नहीं है। और इसलिए पूरी कायनात जिसको हम मखलूक कहते हैं वो अल्लाह का कुनबा, और इसको हदीस में कहा गया अल खलको अयानुल्लाह, अल खलको अयानुल्लाह, और वेदों में यही आया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, एक कुनबा है, और इसको तुम बांटने की कोशिश मत करो मजहब के आधार पर। लेकिन हम क्या करें मोदी जी, आपका दिमाग सियासी ढंग से चलता है, आप मजहब के असली बुनियादी उसूलों को नहीं जानते। अपने आप को हिंदू जरूर कहते होंगे आप, लेकिन हिंदू का एबीसीडी भी आपकी समझ में नहीं आता। हिंदू का असली मतलब है सारी दुनिया को, सारे मानवता को, इंसानियत को अपना मजहब समझो और सबको अपने परिवार का हिस्सा समझो। लेकिन तुम्हारी जुबान उल्टी चलती है। तुमने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की तैयारी की 2014 में, तो तुम्हारा जुमला हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में शमशान भूमि कम है, कब्रिस्तान ज्यादा है। देखो कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं। और अभी झारखंड में क्या स्पीच दिया, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनको कपड़ों से पहचान लेते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं। तुम क्या कपड़े देखते हो, किसी के सिर के ऊपर आपने ये टोपी देखी सफेद, तो मान लिया कि वो मुसलमान है। मैं आपसे पूछता हूं नरेंद्र भाई मोदी, मेरे कपड़ों को देख करके आपको क्या एहसास होता है ये जरा बताओ मुझे। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं दिन रात, सबसे पहला मैंने शुरुआत की, मेरे साथ 720 और हमारे दानिश्वर लोगों ने पिटीशन डाला जब ये बिल आ रहा था सीएबी पार्लियामेंट के अंदर, उस समय हमने इसका खिलाफत की। और आज हम हर एक जगह पर जा रहे हैं, शाहीन बाग गया और वहां की खवातीनों के जज्बे को देख के मैंने कहा मैं आपके जज्बे को सलाम करने आया हूं। और आज तो शाहीन बाग मुल्क के कोने कोने में फैल गया, सारी दुनिया में लोग शाहीन बाग का नाम सुनकर के इस तरीके से ताकत हासिल कर रहे हैं। हमारी खवातीन जो घरों में रहती थी, पर्दे तक में रहती थी, आज वो 40-40, 50-50 दिन हो गए हैं उस कड़क की सर्दी में 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके आज वो अपने गोद में बच्चों को लेकर के वहां बैठी है। और मजाल नहीं है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, उनको एक इंच भी सरका सके उठा सके वहां से। आज मैं इसलिए सबसे ज्यादा फख्र करता हूं हमारी बहनों की, मांओं की, और जिन्होंने ये जज्बा दिखाया है हम उसके जज्बे को सलाम करते हैं उनके। आज जरूरत इस बात की है कि
पूरे हिंदुस्तान का एक एक तबका खड़ा हो जाए और पूरी ताकत से इस कानून का, काले कानून का विरोध करे। काला कानून हिंदुस्तान को तोड़ देगा, हिंदुस्तान की एकता को बर्बाद कर देगा। और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, शहादत दी थी, शहादत का जाम पिया था, अभी मेरे दोस्त बता रहे थे, अभी जनाब मुफ्ती जियाउल्लाह साहब जिक्र कर रहे थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वारी समाधि था, लेकिन उसके सगा छोटा भाई की तरह अशफाकुल्लाह खान था, पांच बार नमाज पढ़ने वाला नमाजी। दोनों एक थाली में खाना खाते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे, अंग्रेजों ने दोनों को एक ही तारीख में एक ही टाइम पर फांसी के फंदे पर लटकाया, लेकिन फांसी के फंदे को चूमने से पहले अपने हाथ की हथकड़ियों को खनका खनका करके उन शहीदों ने गीत क्या गीत गाए। उन्होंने कहा वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मस्तल में हमारा इंतहा होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हरगिज़, मैदाने बाने मुर्दन मैं कहां और तू कहां। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज दिखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी अपना आसमां होगा। तुम धरती को आसमान को बांटने की कोशिश मत करो मोदी, वरना तुम्हें वो शिकस्त मिलेगी। भूल जाओगे तुम्हारे बाकी के 4.5 साल भी तुम्हें गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। मैं आप साफ साफ बताना चाहता हूं, अच्छे काम करने चाहिए थे, किसानों की फसल का दाम दुगना करके दिखाना चाहिए यदि ईमानदारी है, मजदूरों की पूरी मजदूरी सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से 18 से 21 हजार रुपए महीने की करके दिखानी चाहिए। और इसी तरीके से हमारे पढ़ाई के मामले में जो संविधान कहता है सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, दवाई में इलाज में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, ये सारी बातें हिंदुस्तान का जो आईन है संविधान है वो इसके लिए कहता है, लेकिन सरकारें नहीं करेंगी। आज मुल्क की आवाम खड़ी हो गई है, एक मुट्ठी बंद करके खड़ी हो गई है। जब तक हम अलग अलग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पांच उंगलियां पतली पतली कोई भी इसको मोड़ दे तो टूट सकती है, लेकिन पांच उंगली भी इकट्ठी आ जाए तो ये उंगली निकल जाती है, मुक्का बन जाता है, और ये मुक्का किसी जालिम के जबड़े को लग जाए तो 32 के 32 बाहर निकाल सकता है, ये ताकत है हमारे। इसलिए उठाओ तिरंगा अपने हाथ में, तिरंगा झंडा उठाओ और खाओ कसम, हमारी एकता एकजहदी कौमी एकजहदी का जो आप लोगों ने आज यहाँ प्रोग्राम रखा, मैं मुबारक देता हूं उनके ऑर्गेनाइजर्स को, मैं जनाब हाफिज तकी साहब और माजी देवबंदी साहब, सुल्तान लाला साहब, मौलाना मुनीर साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, मुफ्ती जकाउल्लाह साहब और जनाब सुरजीत सिंह जी टुटेजा भी जो बोल के गए, मौलाना तसव्वुर साहब, जनाब अमजद भाई पार्षद जी और हमारी मोहतरमा भी आने वाली है शायद माया त्रिवेदी साहिबा, और तमाम लोग हैं जितने भी हैं, मैं सबका खैर मकदम करते हुए कहना चाहता हूं कि आज हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम केवल हारने के लिए नहीं लड़ने वाले, हम जीत करके दिखाएंगे। मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे अपनी ताकत के बल, एकता के एकजहदी के बल, हम सब एक हो गए, एक आवाज दो, आवाज दो, ये एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास कोई तोप और तलवार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, तुम्हारे पास बंदूक होगी। तुम्हारा अनुराग ठाकुर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है गद्दारों को गोली मारो, ये नारे लगा रहा तुम्हारा मंत्री, शर्म नहीं आती उसको? क्यों नहीं निकालते कैबिनेट से, क्यों नहीं निकालते उसको, खारिज करते थे तो सारा भड़काना गोली चलाने के लिए, और उसके भड़काने की वजह से तीसरे दिन वहां गोली चलती, जामिया के सामने चलती है, शाहीनबाग में गोली चलती है, ये सब तुम्हारे मंत्रियों के करतूत है। तुम्हारा
प्रवेश वर्मा कह रहे शाहीन बाग के लोग जो हैं तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, मर्डर करेंगे, रेप करेंगे तुम्हारी बहन बेटियों के साथ। कितनी गंदी गंदी जुबान भड़काने के लिए कर रहे हैं लोग, और तुम बर्दाश्त कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, इस प्रकार की बात करने वालों को कान पकड़ करके निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा आप नहीं कर रहे, इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी मंजूरी है इस बात पे, कहीं न कहीं आप भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, कभी उनके हिम्मत पड़ रही सब बातें करने की। हिंसा भड़का रहे हैं, वो गोली चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और हमने भी फैसला किया, आपका भी फैसला है, वो नफरत फैलाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो नफरत फैलाएंगे, वो लाठी चलाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, गोली चलाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो इंटरनेट बंद कराएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत एक छोटा सा मोबाइल फोन, जिसकी रोशनी आप जगमगाते हैं तो लोगों के दिलों में एक नई रोशनी आ जाती है, और लोग उम्मीद करते हैं ये मशाल है, ये केवल टॉर्च की रोशनी नहीं है, ये मशाल लेकर के आज मेरे देश का मेहनतकश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सब खड़े हो गए, और इस मशाल को इतनी तेजी से ताकत से जलाएंगे जिसकी रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। ये मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरे की ताकतों को हमने शिकस्त दे दी है। और आज के दिन के लिए दुष्यंत कुमार ने कहा था, अगर हो सके तो आप कोई क्षमा जलाइए, ये आपने क्षमा जलाई है, अगर हो सके तो आप कोई क्षमा जलाइए, इस मोदी की सियासत का अंधेरा मिटाइए, हमें यह मंजूर नहीं है। लेकिन हमें आज पूरी ताकत से अपनी जो इबादत है, अपना जो परिश्रिश है, एक अल्लाह के लिए, एक पूरा परमात्मा के लिए, मेरा ताल्लुक है इस समाज से, और मैं बताना चाहता हूं इस्लाम के जो अकीदे हैं और वेद की जो बातें हैं जिसको लेकर के महर्षि दयानंद ने आर्य समाज को बनाया, उसमें 90% से ज्यादा 99% तक एक ऐसी बातें, हम बुत परस्ती नहीं करते, बुत परस्ती का विरोध करते हैं, हम कहते हैं बुत मत बनाओ परमात्मा का, जो परमात्मा के बनाए हुए बुत हैं ये सब इंसान, इनकी सेवा करो, इनकी हिफाजत करो, ये है परमात्मा की इबादत, अल्लाह की इबादत। मैं कि तुमको एक और अलग से अपने हाथ से भी बनाओ और वो ये परमात्मा। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इस्लाम के मानने वालों से भी कहना चाहता हूँ, बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। और जिस अली पानीपति की बात कह रहे थे राममोहन राय जी, अल्ताफ हुसैन हाली, उनकी नज्म में सुनाना चाहता हूँ आपको, दिल थाम करके सुनिएगा और अपने आप से सवाल कीजिएगा कि हम सही रास्ते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर हो सके तो करे गैर गर्भुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर्भुत की पूजा तो काफिर, जो ठहरा है बेटा खुदा का तो काफिर, कबा कब ने माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सुरदा तो काफिर, लेकिन परिश्रिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मदारों के ज्यादा के नजरे चढ़ाएं, और शहीदों से ज्यादा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। यदि इस्लाम के पाबंद है तो कोई बुत परस्ती किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, कोई कब्र पूजा नहीं होनी चाहिए, और इस ताकत के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी ताकत जो अल्लाह की नियामत है, सूरज की रोशनी हम सबके लिए बराबर है, हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं है, जो सांस लेने की हवा है उसी हवा में मैं सांस ले रहा हूं, उसी में आप ले रहे हैं, मेरे खून का भी रंग लाल है, आपका भी खून का रंग लाल है, ये हमारी एकता है।
परमात्मा बनाता बरसात की बूंद हम सबके लिए एक जैसी है। हमारे बीच में तोड़ने की दीवार खड़ी करने की कोई कोशिश करेगा इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं ये जो लकीरें खींच रखी हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जर्मनी और जापान ये नकली लोगों ने चालाक लोगों ने लकीरें खींची है। पूरी धरती हमारा घर है मकान है और हमने पूरी मुल्क को पूरी दुनिया को एक करके दिखाया। हम वर्ल्ड पार्लियामेंट बनाएंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे और जैसे यूरोपियन यूनियन बना हुआ है पहले हम कोशिश करेंगे साउथ एशिया का एक परिवार बन जाए उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर बर्मा नेपाल श्रीलंका ये सब एक हो जाए और कोई कहीं भी आना जाना चाहे तो कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह करेंगे तो ये मुल्क आबाद होगा वरना हम अपना हथियार खरीद रहे हैं उसी अमेरिका से जिससे पाकिस्तान खरीद रहा है उनके तो वाहवाह हो रहे हैं और हम आपस में लड़ करके मर रहे हैं। ये बिल्कुल हमें इसको रोकना है हमें कोशिश करनी है कि हम जो हमारा एक अल्लाह एक ईश्वर एक परमात्मा एक वाहेगुरु उसको लेकर के हमारी एकता और से और मजबूत होती चली जाए। और ये जो सीएए का कानून बनाया उसको समझिए आप कल परसों उन्होंने कहा हम एनआरसी अभी लाने का इरादा नहीं करते अभी चलाक है ये अभी नहीं लाएंगे कल ले आएंगे परसों ले आएंगे हमें इनकी बातों पर यकीन नहीं है क्योंकि उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर के अमित शाह ने यह कहा था कि क्रोनोलॉजी है एक के बाद एक पहले सीएए आएगा उसके बाद एनआरसी आएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन उसके बाद एनपीआर आएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये आके रहेगा पूरे मुल्क में लागू होगा ये ऐलान अमित शाह का किया हुआ है। यदि अमित शाह की गैर जिम्मेदाराना बयान है तो उस अमित शाह को बोलो कि अपने शब्द वापस ले और रामलीला मैदान के धूल में थूक करके चाट के दिखाए तब हम समझेंगे कि उसने अपना बयान वापस ले लिया। हमारे इस तरह बहकावे में हम नहीं आने वाले। तुमने खौफ पैदा कर दिया इस मुल्क के अंदर घर बैठे बैठे तुमने खौफ पैदा कर दिया। इस तरह का खौफ हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है और कोई इस मुगालते में ना रहे क्या हुआ कोई इस मुगालते में ना रहे कि हम मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे निकाल देंगे बाहर फेंक देंगे कहाँ फेंकोगे 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस मुल्क के उस तरह के ईमानदार सच्चे सिपाही हैं जिनमें एक के ऊपर भी तुमने हाथ उठाया 135 करोड़ लोग बगावत करेंगे तुम्हारे खिलाफ इसलिए तुम्हें ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए ये कानून यदि तुमने केवल इतना ही कह दिया होता कि जो भी कहीं भी किसी भी मुल्क का अब श्रीलंका का नाम क्यों नहीं लिया आपने वो तो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है वहां तो बुद्धिस्ट लोग हैं लेकिन वहां तमिल लोगों के ऊपर जो हिंदू हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा उनको क्यों नहीं नागरिकता देते। तुम बर्मा के म्यांमार के जो रोहिंग्या हैं बर्मा तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है बुद्धिस्ट कंट्री है वहां के लोगों को तुम पनाह क्यों नहीं देते उनको शरण क्यों नहीं देते। तुम चीन के अंदर उइगर के अंदर जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उनको यदि भारत आकर के पनाह लेनी पड़े उनके लिए दरवाजे क्यों नहीं खोलते। तो ये तुम्हारा कानून बिल्कुल गलत है और मजहब के आधार पर मुल्क को बांटने वाला है हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम्हारा एनआरसी तुमने प्रयोग करके देख लिया आसाम के अंदर जब रजिस्टर बना तुमने सोचा था कि मुसलमान मुसलमान उससे अलग हो जाएंगे लेकिन 19 लाख लोगों के नाम उससे निकल गए और 19 लाख लोगों में 13-14 लाख हिंदुओं के नाम है अभी चालू हो गई नहीं और करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गया लोगों का परेशान हो गए। डिटेंशन सेंटर तुमने कहा था नहीं है आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर बना हुआ 40 करोड़ रुपए लगा करके तुम्हारी सरकार ने बनाया और उसमें हजारों लोग तड़प तड़प करके मर गए। ये सारा का सारा नाटक हम तुम्हारा नहीं चलने देंगे मोदी और इसलिए आओ दोस्तों आओ साथियों आओ मेरी बहनों हम सब मिलकर के एहत करेंगे इस मुल्क को हमें एक रखना है पूरी ताकत से दुनिया के सामने उदाहरण पेश करके रखना है कि हिंदुस्तान एक ऐसा सुंदर विरासत है एक ऐसा बागीचा है जहाँ तरह तरह के फूल खिलते हैं और सबको इजाजत है अपने अपने तरीके से
कोई सफेद टोपी लगाए और कोई मेरी तरह से पगड़ी बांधे या कोई और दूसरी तरीके से कुछ और कपड़ा पहने। कपड़े से तुम पहचान करने की कोशिश मत करो मोदी जी, हमारे दिल का हमारे धमनियों में बहते हुए खून का रंग देखो, एक खून है, एक रंग है और एक रंग को तुम बांटने की कोशिश मत करो। नहीं आप छाए पी तो क्या नाम तुम बांटने की ले ले छाए पी लूंगा तुम्हारी दिल्ली में वोट पड़ेंगे और मेरे से लेकर के लेवा उज्जैन के लोगों पूरे मालवा के लोगों पहली बार मैं मालवा की धरती पर इतनी बड़ी ताकत से इकट्ठे हो गए लोगों को देख रहा हूँ। मैं आपको मुबारक देता हूँ, मैं परसों वोट पड़ेंगे 8 तारीख को 11 तारीख को रिजल्ट आएगा और इस रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, एक छोटे से उसकी स्टेट के लिए आधी स्टेट है दिल्ली और उसमें प्रचार उसके खिलाफ केजरीवाल के खिलाफ कर रहे हैं मोदी जी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर 20 और 4 स्टेट के मुख्यमंत्री योगी जी समेत और 200 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के सबके सब लगे हुए गली गली मोहल्ले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सामने ऐलान करके जा रहा हूं 11 तारीख को रिजल्ट आएगा और बीजेपी को शिकस्त मिलेगी वहां से और वो पहला एक तरह से जनता का ऐलान होगा, दिल्ली की जनता, राजधानी की जनता का, कि मोदी तुम चाहे कितना शाहीन बाग के खिलाफ चिल्लाओ, चाहे तुम कितना ही और कुछ कर लो, लेकिन इस मुल्क के लोग एक साथ खड़े हैं, हमको रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई ये सब चीजें चाहिए, हमारी नफरत की सियासत नहीं चाहिए, हमारी कपड़ों की सियासत नहीं चाहिए, हमारे इस तरह से भड़काने की सियासत नहीं चाहिए। इस बात का ऐलान दिल्ली की जनता करके जब देगी 11 तारीख के रिजल्ट में, तब आपको पता लगेगा कि इनकी सियासत के दिन अब गिने चुने रह गए हैं, आगे इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमारी एकता और बढ़नी चाहिए, और बढ़नी चाहिए। जब भी कोई इस तरह का हुक्मरान पागल हो जाए, बेहोश हो जाए, अपने नशे में बेहोश हो जाए, तो हम लोग अपनी एकता की इकट्ठी करके गैरी दिखा करके उसको होश में लाने का काम करेंगे। आज जामिया के लड़कों ने, लड़कियों ने और हमारे जेएनयू के लड़के लड़कियों ने, उन्होंने इतनी मुसीबतें सही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रास्ता खोला और पूरे मुल्क के एक एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां और शाहीन बाग जगह जगह से मुझे, अभी मैं गुलबर्गा गया था 3 लाख लोग इकट्ठे हुए वहां पर, विजयवाड़ा गया था वहां पर इकट्ठे हुए, अभी मुझे इतनी जगह से पूरे देश से बुलावा आ रहा है। मैं सब जगह जाऊंगा और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के इसका मुकाबला करके दिखाएंगे और सब लोग एक बार समाज लगा के दिखाइए अपने हाथों में और बताइए कि हमारे हाथ में अभी मशाल है, मशाल की रोशनी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिंदाबाद। शुक्रिया आप सबका।